पांच साल बाद नजदीक आएंगे सूर्य और शुक्र, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर कार्य में मिलेगी सफलता। धन, ऐश्वर्य के कारक शुक्र ग्रह और सूर्य देव की युति कर्क राशि में बनने जा रही है, जिससे तीन राशि के लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह एक निश्चित अंतराल के बाद अन्य ग्रहों के साथ युति का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं 7 मार्च को धन के दाता शुक्र ग्रह शुक्र कुंभ में प्रवेश करेंगे, जिससे कुंभ राशि में शुक्र और सूर्य देव की युति बनने जा रही है। ऐसे में इस युति का प्रभाव सभी राशियों के लोगों पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिनका इस समय भाग्य चमक सकता है। साथ ही सूर्य और शुक्र ग्रह की कृपा से हर कार्य में सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं ये राशियां कौन सी हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, और मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कुंभ राशि आप लोगों के लिए सूर्य और शुक्र की युति लाभप्रद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह युति आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रही है, इसलिए इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। वहीं सूर्य देव के प्रभाव से आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं आपके लिए धन प्राप्ति की इच्छाएं पूर्ण होंगी। साथ ही इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं इस समय जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। वहीं इस अवधि में आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ हो सकता है। मेष राशि। सूर्य और शुक्र की युति मेष राशि के जातकों को शुभ फलदायी साबित हो सकती है, क्योंकि यह युति आपकी राशि से इनकम भाव पर बनने जा रही है, इसलिए इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही आय ने नए स्रोत बन सकते हैं। वहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही आपको निवेश से लाभ होगा। वहीं इस दौरान आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट, सट्टा और लॉटरी में धन का निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय अनुकूल है। वृष राशि। आप लोगों के लिए शुक्र और सूर्य का संयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह युति आपकी राशि से कर्म भाव पर बनने जा रही है, इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है, साथ ही करियर और कारोबार के मामले में शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। वहीं यह समय छात्रों के लिए शुभ साबित होगा, उनको किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आपका और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बना रहे। फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।